ना भूलें। इंदौर के जोन वन में ऑड इवन से आज दुकानें खुलेगी। होलसेल बाजार सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहेगा। अनलॉक वन के तहत इंदौर शहर में धीरे धीरे राहतें मिलना शुरू हो गई है। मध्य क्षेत्र के बाजार गुरुवार से ऑड इवन के आधार पर शुरू हुए हैं। हालांकि मध्य क्षेत्र में सिर्फ होलसेल व्यापारियों को ही दुकान खोलने की प्रशासन ने अनुमति दी है। होलसेल व्यापार मध्य प्रदेश में शुरू होने से व्यापारी अपने दुकानों में रखा माल ग्रामीण क्षेत्र और अन्य जगह डिलीवर कर पाएंगे, जिससे आर्थिक गतिविधि आगे बढ़ेगी। हालांकि व्यापारियों की मांग है कि खेरची काउंटर भी शुरू होना चाहिए। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। बताइए, जो ऑड इवन के हिसाब से दुकानें चालू होने वाली थी, तो अभी तक क्या क्या हुआ, इसका डिसीजन क्या हुआ है? कल हमने जलोड़ व्यापारी संघ के सभी पदाधिकारियों की बैठक ली थी। उस बैठक में हमने ये फाइनल करा कि हर दुकान पे 102 ऐसे नंबर हम अंकित करेंगे, जिससे एक रोज ऑड मतलब एक रोज वन और एक रोज टू नाम की दुकानें खुलेगी। जलोड़ व्यापारी संघ के माध्यम से सभी पदाधिकारियों ने डिसाइड करा है। तो क्या निर्णय हुआ अभी फिलहाल आज की तारीख में? निर्णय प्रशासन ने हमको आदेशित तो कर दिया येलोड खोलने का ऑड इवन के हिसाब से जी, लेकिन जो खेरची दुकानदार है उनको दुकान पर ग्राहक करने की परमिशन नहीं मिली है जी। एक बहुत गंभीर विषय है। हम इसके इस संबंध में माननीय कलेक्टर साहब मनीष सिंह जी और माननीय सांसद महोदय शंकर लालवानी से बात करेंगे कि साहब कम से कम रिटेल काउंटर को ग्राहकी करने की परमिशन दी जाए। यहाँ पर होलसेल के कितने व्यापारी और रिटेल के कितने व्यापारी हैं? यहाँ पे होलसेल के लगभग 250 के लगभग व्यापारी होंगे जी। बाकी खेरची दुकानदार अपन मान के चलो कम से कम 400-500 खेरची होंगे। अब आम जनता को भी परेशानी आएगी अगर खेरची दुकानदार नहीं खोलेंगे दुकान? आम जनता को तो परेशानी आ ही रही है। अभी आज के युग में ऑनलाइन ट्यूशन स्कूल चालू हो गए जी। अब जरूरी नहीं सबके पास स्मार्टफोन हो, हर आदमी स्मार्टफोन या किसी का फ़ोन ख़राब हो, रिपेयरिंग के संबंध में आदमी बहुत सारे लोग जो है रोज़ यहाँ पे जलोड़ पर आ रहे हैं। प्रशासन ने कहा है कि आर्डर लेकर आप लोग सप्लाई कर सकते हैं, तो क्या रिटेल में उपभोक्ता यहाँ फिर आ नहीं पाएंगे? संभव नहीं है, क्योंकि रिटेल काउंटर के पास कस्टमर के फ़ोन नंबर नहीं है और कस्टमर के पास जो आने वाले ग्राहक हैं उनके फ़ोन नंबर नहीं है, तो संभवतः ये सब पॉसिबल नहीं है कि होम डिलीवरी रिटेल दुकानदार कर पाए। ऑड इवन फार्मूला के बारे में एक व्यापारिक दृष्टिकोण से आपका क्या कहना है? नहीं, ऑड इवन फार्मूला अच्छा है, लेकिन हमारा ऐसा आशा है कि जो बेचारे 3 महीने से 2-2.5 महीने से दुकान बंद करके खेरची व्यापारी बैठे हुए हैं, सब दुकानदारों के किराए भी लगे हुए हैं, EMI भी जिनकी चल रही है, नौकरों के खर्चे, सभी के सब सारी तकलीफें उसको तो वहन करना ही पड़ ही दिया, और आमदनी के नाम पे अभी नील बटा सन्नाटा है। आपका परिचय? राजकुमार शर्मा, अध्यक्ष जलोड़ व्यापारी संघ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।